गाइस नमस्ते, केम छो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल रू। सो गाइस आज का वीडियो अमेज़न में से मैंने कुछ कुर्ते सेट बाय किए हैं जो कि उसकी स्टार्टिंग रेंज है 396 से स्टार्टिंग रेंज स्टार्ट होती है। काफी अच्छा मिक्स कलेक्शन है, कुर्ता सेट विद दुपट्टा भी है, कुर्ता सेट भी है और ओनली कुर्ते का भी कलेक्शन है। तो प्लीज वीडियो बिल्कुल भी स्कीप मत करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन होगा उसको हिट कर देना, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ गाइस, अमेज़न पे द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाला है, तो प्लीज अभी से विश लिस्ट कर दो तो आपको आसानी से आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो और आपको कब का लेना है और पसंद आता है तो आपको ले सकते हो और इसकी प्राइस आपको डेफिनेटली कम प्राइस में मिल जाएगा। तो प्लीज अभी से विश लिस्ट कर दो और इसमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आती है और आप बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो जाके आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। और अभी बाय नहीं करना चाहते हो तो विशलिस्ट कर सकते हो। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कुर्ता सेट है वो मैंने आपको बताया कि मैंने आज मिक्स कलेक्शन बाय किया है, तो इस तरह से मैंने ग्रीन कलर में बाय किया है। अगर आप किसी की मेहंदी फंक्शन में जाना चाहते हो और आप दूर के रिश्तेदार हो आपके, तो आप लेना चाहते हो तो अंडर बजट का, अंडर 700-600 का कुछ लेना चाहते हो तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसको मैंने 549 में बाय किया है, 549 स्मॉल साइज में बाय किया है। और इस तरह से ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में काफी अच्छा इसका मटेरियल है, रेयन मटेरियल है। इस तरह से आपको टॉप मिल जाता है जो कि स्टैंड पट्टी कॉलर में दिया हुआ है और इसमें आपको फॉइल प्रिंट मिल जाएगी, पर फॉइल प्रिंट काफी अच्छी फॉइल प्रिंट है, पूरा आपको ग्रीन कलर में मिल जाएगा। और इस तरह से आपको फॉइल प्रिंट की छोटी सी बॉर्डर मिल जाएगी। इस तरह से 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में भी आपको बॉर्डर मिल जाएगी और इस तरह से आपको दोनों साइड पे कट मिल जाएगा। बिल्कुल भी सी थ्रू मटेरियल नहीं है इसका, आगे पीछे दोनों साइड पे आपको सेम पैटर्न मिल जाएगी। और आपको जो स्लीव्स में मैंने दिखाया कि चौड़ी सी बॉर्डर है, वो चौड़ी सी बॉर्डर आपको पैंट की ही मिल जाती है। पैंट में आपको इस तरह से प्रिंट मिल जाता है, आगे पीछे दोनों साइड पे इलास्टिक मिल जाता है और काफी कंफर्टेबल है। नैरो कट का इस तरह से पैंट दिया हुआ है और आप किसी भी एज के हो तो आप वेयर कर सकते हो, काफी कंफर्टेबल कुर्ता सेट है, तो डेफिनेटली ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट जो पीस है वो मैंने कुर्ता ट्राई किया है रेगुलर में पहनने के लिए। इस तरह से पूरा कॉलर, इसमें जो शर्ट में कॉलर आता है उस टाइप का कॉलर में दिया हुआ है और जो पंजाबी जो कुर्ते पहनते हैं उस टाइप का कुर्ता है। इसको मैंने 396 में बाय किया है स्मॉल साइज में, 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी। इस तरह से फोल्डेड स्लीव्स है, अगर आपको लॉन्ग स्लीव पसंद नहीं है तो आप फोल्ड करके भी पहन सकते हो। प्योर कॉटन मटेरियल है और पूरे कॉटन में आपको इस तरह से थ्रेड का काम मिल जाएगा। ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, दोनों साइड पे कट है और इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है, एंकल लेंथ कुर्ता है। और इसके साथ मैंने व्हाइट पैंट की वेयर किया था, पर आप इसके साथ ब्लू पैंट वेयर कर सकते हो या इसके अलावा आप लेगिंग्स भी वेयर कर सकते हो तो भी इसका लुक काफी अच्छा आएगा। और इसमें दोनों साइड पे आगे की साइड पे आपको पॉकेट भी मिल जाते हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट जो पीस है वो मैंने इस तरह से पूरा कुर्ता ट्राई किया है। मुझे फुल स्लीव में कुछ एक कुर्ता चाहिए था जो कि पिंक कलर की लेगिंग्स के ऊपर आ जाए, व्हाइट कलर की लेगिंग्स के ऊपर आ जाए और ब्लैक कलर की लेगिंग्स के ऊपर भी आ जाए, मल्टीपर्पज हो, इस टाइप का कुर्ता चाहिए था। तो मैंने ये कुर्ता बाय किया है, इसको मैंने 589 में बाय किया है स्मॉल साइज में और अमेजोन ब्रांड है इसकी। कॉलर स्टैंड पट्टी कॉलर है और आगे की साइड पे आपको व्हाइट कलर के बटन मिल जाएंगे और इस तरह से फुल स्लीव का आपको टॉप मिल जाता है। स्लीव्स में आपको इस तरह से पैटर्न मिल जाती है और इस तरह से हल्की सी मटेरियल की बॉर्डर है और व्हाइट कलर के बटन दिए हुए हैं और इसकी शॉर्ट लेंथ दी हुई है और नी तक आता है ये। आगे की साइड पे पूरे में आपको इस तरह से पूरा बटन मिल जाएगा, तो ऐसा आप स्क्रॉक की तरह भी इसको वेयर कर सकते हो पूरे बटन ओपन करके, और आगे आपको इस तरह से मटेरियल की बॉर्डर भी मिल जाएगी, तो आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई करना, काफी अच्छा कुर्ता है। नेक्स्ट जो मैंने कुर्ता बाय किया है
वो भी मैंने रेगुलर पहनने के लिए ही ट्राई किया है। प्योर कॉटन मटेरियल का है, इस तरह से येलो कलर में है, येलो और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। आगे आपको राउंड नेक मिल जाता है, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में आपको चेक्स की प्रिंट मिल जाती है और पूरा इस तरह से है, दोनों साइड पे कट है। और इसको भी आप जींस के ऊपर भी वेयर कर सकते हो। इसको मैंने 4 to 9 में बाय किया है स्मॉल साइज में, और ये प्योर कॉटन मटेरियल में है। नेक्स्ट जो पीस है वो मैंने इस तरह से पूरा पीच कलर का, पिंकी पीच टाइप का इसका कलर कॉम्बिनेशन है, वैसे आप इसको बेबी पिंक भी बोल सकते हो। और ये भी काफी अच्छा कुर्ता है, 4 to 9 में मैंने बाय किया है स्मॉल साइज में। और इस तरह से आपको राउंड वी नेक मिल जाएगा विथ जो आपको थ्रेड की जो बॉर्डर आती है चिकन टाइप की, उस टाइप की आपको बॉर्डर मिल जाएगी। स्लीव्स में भी मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी बॉर्डर है, और नेक में भी आपको मिल जाएगी, और आपको हुक एंड आई मिल जाएगा, सो आप आसानी से पहन सकते हो। इस टाइप का है, पीच में आपको वाइट कलर की प्रिंट मिल जाएगी, दोनों साइड पे कट मिल जाएगा। ओवरऑल इसका भी लुक काफ़ी अच्छा है, आगे पीछे दोनों साइड पे आपको सेम प्रिंट मिल जाएगी, और इसका पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है आगे पीछे सभी जगह पे। इसके साथ ही साथ मैंने एक और भी ग्रीन कलर में ट्राई किया है, इस तरह से पूरा दुपट्टे के साथ मैंने ट्राई किया है। इसको मैंने 6, 7, 9 में बाय किया है स्मॉल साइज में। इस तरह से राउंड नेक मिल जाता है, राउंड वी नेक दिया हुआ है इसमें, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में भी आपको गोटा पट्टी की दो बॉर्डर मिल जाती है। पूरा प्लेन कुर्ता है, दोनों साइड पे कट दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ इसका जो ये मटेरियल है उसका मटेरियल का आपको पैंट मिल जाएगा, पैंट में भी आगे और पीछे दोनों साइड पे इलास्टिक है, और पैंट में नीचे बॉटम में इस तरह से आपको गोटा पट्टी की बॉर्डर मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको दुपट्टा मिल जाता है। इसके लिए इसका जो टॉप है वो बिल्कुल ही प्लेन रखा है, क्योंकि इसका दुपट्टा काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी प्रिंट में, छोटे छोटे प्रिंट में दिया हुआ है। सो ओवरऑल इसका लुक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बजट फ्रेंडली है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, बाय करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी की बाय लिंक मिल जाएगी, तो जाके आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। और हाँ गाइस, आपने पूरा वीडियो देखा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ गाइस, आज थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा आवाज मेरा इस टाइप का नहीं रहा, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।